Hi guys, welcome back to Classes of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and the guide. यहाँ पे पहले क्लास को शुरू करने से पहले कुछ चीजें बतानी जरूरी है. That we are going to watch this video. The reason that we are unable to score marks in MEG 2. Sir, paper बहुत अच्छा होता. Seriously, sir, it was really a damn good paper. But मेरा score सिर्फ 21. सर मेरे नंबर सिर्फ 16 आए हैं. सर, I've been trying to clear this paper from last two attempts. बट सर ये क्लियर नहीं हो रहा. सर मेरे MEG के सारे पेपर क्लियर हो गए और ये पेपर सीरियसली बोल दीजिए. सर मैंने आपकी सारी वीडियो देखी एंड आई नो द एंटायर स्टोरी लाइंस. मुझे प्लॉट से लेके कैरेक्टर्स तक सब कुछ क्लियर है, पर सर MEG 2 ब्रिटिश ड्रामा क्लियर नहीं हो रहा. सर प्लीज इसके लिए एक वीडियो प्लीज बनाए आप, बताएं कि क्या रीजन है. ये प्रॉब्लम कई सौ स्टूडेंट्स के सीरीज, कई सारे स्टूडेंट बेचारे ब्रिटिश ड्रामा में नंबर नहीं ला पाए. एंड वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने मेरे से लास्ट टाइम नोट्स दिए थे MEG 1 के, शी स्कोर 73, बट इस बार उसका मैसेज है सर आई एम नॉट एबल टू क्रैक MEG 2. तो प्लीज आप बताओ गलती क्या हो रही है वहां, वेयर आर बी लैकिंग. द फर्स्ट थिंग जानना जरूरी है कि ब्रिटिश ड्रामा इज नॉट ब्रिटिश नॉवल. दिस अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ नॉवल एंड अ ड्रामा. नॉवल में हम इंग्लिश लिख सकते हैं, जो हम लिखते हैं नॉवल में हम एक समरी फॉर्म ऑफ आंसर दे सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं. लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट MEG 2 मींस द ब्रिटिश ड्रामा, वी हैव टू चेंज द वे ऑफ राइटिंग एज आई ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस. मैंने क्लियरली सबको मेंशन किया था दैट इट्स ऑल अबाउट ब्रिटिश ड्रामा. और ब्रिटिश ड्रामा की बात करें तो यार थोड़ा पेशेंस होना चाहिए. द वे ऑफ राइटिंग मस्ट बी सुपर. You guys really need to know that how you are going to explain each and every point in details and in a form that the reader, your examiner, going to get everything that he wanted from you. जब मैं उसको सब दे रहा हूं जो मेरे से चाहता है, that is the perfect answer. और तब मेरे को नंबर क्यों मिलते हैं? तो क्या सर किसी के MEG 2 में नंबर आते हैं? सीरियसली आते हैं. 76. 76, 75, 70s. Easy score to get in MEG 2. देखने हैं तो मेरे पास और बहुत सारे सुने हैं जो पढ़ते भी जा रहे हैं. उनके नंबर हैं इसमें. Normally 60s में सब आते हैं. पर क्या है तरीका, क्या फॉर्म है? तो उसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे सेंटर पे आओ क्लासेस ज्वाइन करो. सॉरी, दैट इज ऑल अप टू यू. लेकिन हाँ, अगर आपको घर बैठे जो बेचारे यहां नहीं आ सकते, दोज आर गेटिंग माय नोट्स, तो उनको पहले क्लियर कर दो ये वीडियो जरूर देखना है. और लास्ट तक क्योंकि अभी मैंने समझाना शुरू नहीं किया, अब मैं बताने वाला हूं कि करना क्या है MEG 2 के अंदर, मतलब ब्रिटिश ड्रामा में नंबर लेने के. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. अगर मैं MEG 2 की बात करता हूं, ये वो पेपर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इन 82. सो कैन इट बी पॉसिबल दैट वी कैन स्कोर 80 इन ब्रिटिश ड्रामा? यस, दिस इज. तो इस वीडियो की एक एक पॉइंट को लिखते हैं. गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले आप उसको क्लियर करेंगे और उसके हर पॉइंट को लिखेंगे आप. सबसे पहले चीज, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको हर ड्रामा के कोर्स को याद करना है. मैंने हर बार स्ट्रेस दिया कि कोर्स याद होने चाहिए आपको. यू गाइस नीड टू क्लियर द कोर्स. से कोर्स को याद करने का क्या फायदा है? नाउ यू गेट टू नो कोर्स को याद करने का क्या फायदा है. पहला, कोर्स याद होगी. सेकेंडली, हमें क्वेश्चन पे टाइम देना है. वी गाइस नीड टू गिव टाइम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे टाइम क्यों दें यार? क्वेश्चन क्या पूछा गया पहले उसको क्लियर करो. एक छोटा क्वेश्चन था आज मैंने अपनी क्लास में, व्हेन द एमए क्लास वाज गोइंग ऑन, मैंने एक स्टूडेंट को दिया. मैं कहो राइट डाउन लिए अ कमेंट और नोट ऑन द मदर ऑफ टॉम जॉन्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर ऑफ टॉम जॉन्स. तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट दिस वन. तो वहां पे स्टूडेंट ने क्या किया, एंड शी इज रियली अ डैम गुड स्टूडेंट, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक आंसर फ्लो किया जिसको हम सीधा समरी बोल सकते हैं. दैट मिस्टर एल्वोडिया फाउंड अ बास्टर्ड एट हिज डोरस्टेप. यार पहले क्वेश्चन को क्लियर करो. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मदर, द मदर ऑफ टॉम जॉन्स के इश्यू को हाईलाइट करना आपको. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू ग्रैब द बेसिक और द हिडन मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन एक्चुअली क्या चाहता है आपसे?
आप उस चीज को हाईलाइट करो। टॉम जोन्स, यू ऑल पीपल गो थ्रू बाय दिस, शायद आपने सबने पढ़ा टॉम जोन्स। सर टॉम जोन्स तो सर एक अलग चीज हो गई सर, वो तो सर ब्रिटिश नॉवल की बात कर रहे हैं आप या ब्रिटिश ड्रामा की बात कर रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, अब पहले आपको स्कूल में मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आपको, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ब्रिटिश नॉवल की बात की, ब्रिटिश ड्रामा की बात की। मैंने अभी कहा एक आंसर लिखना आपने, तो आंसर लिखते हुए चाहे वो नॉवल है चाहे वो ड्रामा, हमें पहले क्वेश्चन समझना है। तो सर यहां पे क्या करना है, आप बेसिक शुरू हो रहा है प्लीज, अगर किसी को समझना ना ज्यादा तो सीधा वीडियो यहां से दे सकता है, आई डोंट केयर। आपने कहा सर सबसे पहली चीज जो हमें क्लियर करनी, क्लियर द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, वेदर इज ब्रिटिश ड्रामा वेदर इज ब्रिटिश नॉवल, क्लियर द बेसिक मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड ट्राई टू ग्रैब द हिडन मीनिंग, ट्राई टू ग्रैब द हिडन मीनिंग इट, कि उसका मीनिंग क्या है, समझे आप लोग, या यू गेट इट नाउ। और जब हिडन मीनिंग ग्रैब कर लेते हो अब आपकी जॉब शुरू होती है। नाउ योर जॉब स्टार्ट्स, सर द जॉब स्टार्ट्स विद, स्टार्ट योर आंसर विद द बेसिक वे, विद द बेसिक वे मींस हाउ आई एम गोइंग टू फॉलो द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन फॉलो करके आंसर लिखता हूं। मेरी बिगनिंग हमेशा क्वेश्चन को फॉलो करके जाती, जो भी क्वेश्चन बोला गया मैं उसको पहले ग्रिप करता हूं, उसी क्वेश्चन के फ्लो को वहीं से लेता हूं, वहीं से शुरू करता हूं। कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द स्टोरी द डॉक्टर फोर्सेस, तो सर द डॉक्टर फोर्सेस प्ले अबाउट द राइटर, सर मैं यहां ऐसे नहीं लिखता द डॉक्टर फोर्सेस प्ले अबाउट, नहीं ये तो समरी होगी, तो मेरा स्टार्ट कैसे होगा ना, The Crystal Ball of Play, the Crystal Ball of Play, the Dr. Forsyth is the masterpiece that had defined the all the dilemmas of the man. And first time we do introduce the good and the bad angels. मैंने basic concept को डाला, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? I introduce chords. मैं chord को introduce करता हूँ, याद रखना beginning के first stanza में पहले paragraph के अंदर drama में answer में आप chord लेके आएंगे. Try to give the chord there. और फिर क्या करना है उस कोड को उस क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन करें, एलोबरेट दैट कोड अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से पूरा क्लियर करो। सर इट विल टेक यू 1 to 2 पेज, डजंट मैटर, इट विल डू कवर 200 to 300 वर्ड्स, नो इश्यूज। आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्वेश्चन का उस कोड के थ्रू। जब ये होता है तो हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, तो पहला स्टेप दिमाग में रहेगा सर फॉलो द क्वेश्चन, सेकेंड इंट्रोड्यूस कोड, इन योर आंसर अपने आंसर में कोड को इंट्रोड्यूस करेंगे आप। थर्ड सीरीज से थर्ड पॉइंट जो दिमाग में आप क्या करना है, एक्सप्रेस द बेसिक आइडिया, आई रिपीट, एक्सप्रेस द बेसिक आइडिया ऑफ द प्ले इन अ सिंपल लैंग्वेज। सर आपने बोला था आपकी प्रीवियस वीडियो हमने देखी थी एमएचडी की, आपने कहा था सर ड्रामा है तो रिपोर्टिंग रहेगा सीरियसली, लेकिन आप उसमें अपने व्यूज लाएंगे तो उसको सिंपल लैंग्वेज में डालेंगे। सीरियसली ड्रो योर ओन कॉन्सेप्ट विद द आइडिया, द बेसिक आइडिया ऑफ प्ले, बेसिक आइडिया प्ले को पकड़ेंगे उसको सिंपल लैंग्वेज बनाएंगे। और यहां याद रखेंगे जो भी अगर वो करेक्टर्स रिलेटेड तो करेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। Give stress over character development. That is really very very important. अगर आपने character development ध्यान नहीं दिया, then you'll be unable to crack the marks that the teacher wants to give you. वो चाहता है seriously, लेकिन वो चाहता है कि आप उसको ऐसे supply करो कि उसको लगे यार this is really important. And then the most important thing, don't miss the climax incidents. हर play जितने हम drama पढ़े, जितने drama पढ़े, उन सब में climax है। उसमें जो इंसिडेंस है वेदर डू यू थिंक दैट दे आर इंपॉर्टेंट और नॉट, यू नीड टू मेंशन दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि वो रूल आउट करते हैं, उनको डिफाइन करो एंड ट्राई टू फॉलो द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग यूज्ड इन द टेस्ट।
जो टेस्ट में यूज हुई है, जब आप क्लाइमेटिक इंसिडेंस डाल दो, क्लाइमेट से जो भी इंसिडेंस है उनको डाल दो, तो उस लैंग्वेज को फॉलो करो। तो आपने कहा डोंट मिस वो इंसिडेंट जो क्लाइमेट से टाइम पे आ रहे हैं, उनको मिस नहीं करना। एंड देन लास्ट नोट द लीस्ट, सर ये क्या है? दिस इज डोंट फॉरगेट टू मेंटेन अ सोशल और अ कल्चर रेलेवेंस ऑफ द प्ले एट द टाइम इट वाज रिटन। ये हम मिस करते थे सर, इट वाज रिटन इन रेनेसा पीरियड, इट वाज रिटन 19th सेंचुरी, इट वाज रिटन 18th सेंचुरी, सर इट वाज द इरा ऑफ, सर ये हमें मेंशन करना है। जो क्वेश्चन में मेंशन करना भूल जाते हैं, आई एम नॉट राइटिंग दिस ऑन द बोर्ड, ये आपको अपने दिमाग में लिखना है that you guys have to write down the relevant era, वो जरूरी है, that is really important. So अगर आप इन बातों follow करते हैं तो you will get it what you have to. Concepts clear कर देंगे, बता दिए क्या क्या करना है. And then most importantly really, अगर workout नहीं कर पाए, चीजों को नहीं समझ पाए, तो you be unable to grasp. कोर्स कहाँ से मिलेंगे? कोर्स में नोट्स में कोर्स भेजता हूँ साथ में, अगर आपके पास नोट्स हैं तो कोर्स की अलग फाइल भेजता हूँ मैं, जो अलग प्ले के लिए डिफाइन की जाती है, हर किसी के लिए अलग कोर्स हैं, वो कोर्स होने चाहिए आपके पास। तो यू रियली इंटरेस्टेड टू हैव मैक्सिमास, फॉलो दीज, हैव माय नोट्स एंड गेट योर ड्रीम मार्क्स। टिल देन कीप वॉचिंग फॉर आवर चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, this is the spot where you get everything that you ever dream. Bye guys.